नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक नया वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। ये एक्स्ट्रा पावर कंपनी की वेल्डिंग मशीन है। इसमें सप्लाई बार बार ब्रेक कर जा रहा है, मतलब कुछ समय तक 10 सेकंड 15 सेकंड तक चल रहा है, उसके बाद ही कहीं कहीं से छोड़ दे रहा है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों अभी इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों अभी अंदर खुलेगा, फिर देखेगा कि क्या क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मशीन तो काफ़ी अच्छी है, कोई भी मशीन, वेल्डिंग मशीन जो भी आर्क में है, लेकिन इस मशीन से ज़्यादा अच्छा जो है IGBT जो है वो मशीन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मशीन अच्छी है, अच्छी खासी काम कर रही है और ये अपने जितने भी लाइफ में जब तक अभी तक चल रही तब से अच्छा ही काम किया। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए पूरा खोल लेते हैं, जो ऊपर हैंडल दिया गया था उसको भी खोलना ज़रूरी है, तभी ये मशीन खुल पाएगी। दोस्तों हमने ये मशीन खोल लिया, अब इसको से देख सकते हैं कि इसका जो मदरबोर्ड काफ़ी गंदा हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोअर भी करेंगे और इसका सबसे पहले सप्लाई ब्रेक कहाँ से हो रही है वो चीज़ देखते हैं। कहीं ना कहीं से वायर ही ब्रेक होगा, क्योंकि अगर कोई इंटरनल फॉल्ट होगा, मदरबोर्ड का फॉल्ट होगा, तो 10 सेकेंड 5 सेकेंड चल के बंद नहीं होगा। तो एक बार पूरा लीड निकाल के साफ कर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे। अभी दोस्तों जो वायर्स है वो ठीक हैं, जो भी लीड लगे हैं। अब इसके मेन वायर को भी एक बार चेक करते हैं, इसके मेन वायर में कहीं फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि कुछ वेल्डिंग मशीनों या कुछ इक्विपमेंट का जो इनकमिंग आया रहता है वहीं से वायर ब्रेक। दोस्तों ये देखो मिल गया, ये इसका रेड वायर जो है वो यहीं से ब्रेक कर गया है, क्योंकि बार बार ऑपरेट होते रहता है वायर, जो है टेंशन में आते रहता है, इससे जो है कि ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। अब इसको काट के अच्छे से जोड़ लेंगे, टेप कर दिया जाएगा, फिर चेक करेंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी परेशानी आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, या कुछ ऐसा भी है जो कि रिपेयर किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ज़रूरत पड़ने पे आप किट भी बदल सकते हैं, इसका मार्केट में किट अवेलेबल होता है जिसमें मदरबोर्ड बोलते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।